100% गारंटीड आईटी जॉब, जो कि आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए भी आईटी में शिफ्ट हो सकते हैं और सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर ही शिफ्ट कर सकते हैं, एंड विदाउट एनी कोडिंग, विदाउट एनी प्रोग्रामिंग, कोई एक्सपीरियंस नहीं, और सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 लाख पर एनम इवन एज अ फ्रेशर। मतलब अगर अभी हम लोग खड़े हैं अक्टूबर 2022 के अंदर, तो बाय The first week of January 2023 आपको guaranteed ये स्विच मिल सकता है। कैसे मिलेगा, क्या रोड मैप रहेगा, प्रैक्टिकली जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। एक 4-point रोड मैप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप एक 100% गारंटीड शिफ्ट कर पाएंगे नॉन आईटी से आईटी के अंदर, जिसमें आपको एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलता है, एक अच्छी सैलरी पैकेजेस मिल सकते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 लाख पर एनम इवन एज अ फ्रेशर, और कोई कोडिंग, कोई प्रोग्रामिंग नहीं, और कोई पास्ट एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 4-point रोड मैप डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, जो यही 4-point रोड मैप पे बेस्ड है। मेरे एक मेंटी हैं जिनका नाम है विशाल राज, जिनके साथ मैंने एक कंप्लीट इंटरव्यू भी इसी चैनल के ऊपर डाला था। उन्होंने ये 4-point का रोड मैप फॉलो किया, जिसके बेस पे उन्होंने अपनी स्विच करी जॉब नॉन आईटी से आईटी में। कैसे, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने डेटा एनालिस्ट का स्किल गेन किया और उसके बेस पे वो बने डेटा एनालिस्ट। और बेस्ट पार्ट क्या है इसके अंदर कि पहले उनकी सैलरी थी 4 लाख पर एनम, 4 लाख रुपए पर एनम की, और बाद में 100% उनको अपग्रेड मिला, उनको हाइक मिली, और अब उनकी सैलरी है 8 लाख पर एनम। एक कंप्लीट डिस्कशन इस चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है, शायद आपने वो देखा होगा। अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है उनकी मेहनत। उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ दिन में 1 से 1.5 घंटा डेली दिया अपना स्किल डेवलप करने के लिए डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, एंड फाइनली विद इन 2 to 3 months ही गॉट दैट जॉब, इजंट इट। इसी सक्सेस स्टोरी पे बेस्ड मुझे गोल्डन स्टेटमेंट याद आ रही है। यू नो, सक्सेस की सबसे खास बात पता है क्या है, वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, इजंट इट। तो अभी तक कोई भी थोड़ी से थोड़ी वैल्यू भी अगर आपको इस वीडियो में मिली है, तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, इससे मुझे इस वीडियो को और इस चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। चलिए अब हम बात करते हैं वो 4-point रोड मैप, जिसके थ्रू आप एक नॉन आईटी से आईटी में शिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रोग्रामिंग, बिना किसी कोडिंग, बिना किसी एक्सपीरियंस के, और सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 लाख पर एनम की इवन एज अ फ्रेशर। ऑलराइट, तो सबसे पहला इस रोड मैप का पॉइंट है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड चेंज योर माइंडसेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा ऐसा पॉइंट है जो कि निग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक डेड एंड जॉब में फंसे हुए हैं या जॉबलेस हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि क्या मैं एक्चुअल में स्विच कर भी पाऊंगा। आपको पता है कि आईटी में जाने में आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, कैब्स आपको फ्री मिलती हैं, मील्स फ्री मिलते हैं, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होता है, वर्क फ्रॉम होम भी आपको वहां पे मिलता है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, और बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का आपको अवसर मिलता है। तो ये सारे जो पर्क्स हैं, ये एक आईटी जॉब के साथ आते हैं। बट क्वेश्चन एक हमेशा नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करे हुए पर्सन में ये आता है कि क्या मैं एक्चुअल में आईटी में आ सकता हूं, क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, क्या मैं वो स्किल सीख पाऊंगा। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि मुझे कोडिंग तो बिल्कुल नहीं आती, प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती, और ना ही कोई इंटरेस्ट है, तो क्या मैं स्विच कर सकता हूं। आंसर इज अ बिग यस, आप कर सकते हैं, क्योंकि 90% जो आपकी कोडिंग की प्रॉब्लम है वो यहां पर खत्म हो जाती है, जो मैं आपको रोड मैप यहां पे बताने वाला हूं। ऑलराइट, सबसे पहली चीज आपको करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, अपने आप में बिलीव रखना है कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूं। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन में 1 से 1.5 घंटा अगर आप अपने आप को देंगे, स्किल डेवलप करने में देंगे जैसे विशाल राज ने किया, उसके बेस पे आप ये स्विच इजिली कर पाएंगे और गारंटीड कर पाएंगे। ऑलराइट, तो पहला है बिलीव इन योरसेल्फ एंड चेंज योर माइंडसेट। सेकंड आता है कि अब तो आपका माइंडसेट तो चेंज हो गया, आपने माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ मैं अब ये चेंज कर पाऊंगा, बट ये प्रैक्टिकली कैसे कर पाएंगे।
कोई तो कोई गाइड करने वाला होना चाहिए ना, तो मैं यहां पर आपको गाइड कर रहा हूं कि प्रैक्टिकली ये आप स्विच कैसे कर पाएंगे। देखिए आईटी में आने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला होता है कोडिंग या प्रोग्रामिंग लर्न करके इसके अंदर आना, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और दूसरा होता है नॉन कोडिंग के थ्रू इसके अंदर आना, जिसके अंदर अगेन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब जब आप कोडिंग के थ्रू इसके अंदर आते हैं तो उसमें आप चैटबॉट इंजीनियर बनते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लर्निंग पाथ है वो बहुत बड़ा है। कम से कम आपको 1 से 1.5 साल देना पड़ता है ये स्किल डेवलप करने में, तभी आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर पाते हैं। दूसरा जिसकी बात हम इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं, वो एक नॉन आईटी बैकग्राउंड वालों के लिए, जिसके अंदर आपको कोई प्रोग्रामिंग या कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, और वो है डेटा एनालिस्ट बनना या डेटा एनालिस्ट की जॉब लेना। ऑलराइट, इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग, कोई कोडिंग या पास एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट का रोल होता क्या है, क्या काम करता है एक डेटा एनालिस्ट। देखिए डेटा एनालिस्ट को कंपनी डेटा देती है, जिसके बेस पे वो टूल यूज करता है, मेजरली माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, और उसके बेस पे वो कुछ ऐसे एनालिसिस करता है डेटा के अंदर, और एक ऐसी इंफॉर्मेशन निकालता है और प्रेजेंट करता है एक डैशबोर्ड की फॉर्म में टॉप मैनेजमेंट या क्लाइंट को, जिसके थ्रू वो एक ऐसे डिसीजन ले पाते हैं जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो सिंपल वर्ड्स में वो डेटा के बेस पे एक ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिससे कंपनी को फायदा होता है। दैट इज द रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। ऑलराइट, अब इसके अंदर जो टूल मैंने आपको बताया पावर बीआई, बेस्ट पार्ट क्या है, ये आज के टाइम पे मार्केट में सबसे ज्यादा इन डिमांड स्किल है व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिटिक्स। ओके, सेकंड ऑफ ऑल, इसके अंदर कोई कोडिंग कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं, और फ्रेशर्स के लिए इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। क्लियर, और इसका जो लर्निंग पाथ है सिर्फ 1.5 से 2 महीने का है। अगर आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं, जैसे विशाल राज कर रहे थे, उन्होंने दिन में 1-1.5 घंटा दे के 2 से 3 महीने के अंदर ये स्विच किया और सैलरी सीधा डबल, और वो भी एक आईटी फील्ड में आ गए नॉन आईटी से। दैट इज द बेस्ट पार्ट। इसके अंदर आप इस तरह के रॉ डेटा से इस तरह के अमेजिंग सुपर्ब इंफॉर्मेशनल डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को, जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है विदाउट एनी प्रोग्रामिंग विदाउट एनी पास एक्सपीरियंस। क्लियर, अब इसके अंदर पाथ क्या है, जो ग्रोथ है या स्कोप है आपका आगे बढ़ने का, वो भी मैं समझा देता हूं। देखिए सबसे पहला लेवल जो आपको मिलता है इसके अंदर जब आप जॉब लेते हैं तो डेटा एनालिस्ट का मिलता है, और उसके अंदर आपको सैलरी मिलती है बिटवीन 4-8 लाख पर एनम इवन एज अ फ्रेशर। तो एवरेज सैलरी आपको 6 लाख पर एनम की मिल जाती है। जब आप 1-2 साल उस कंपनी में अपना देते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, नई नई चीजें लर्न करते हैं ऑन द जॉब, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पहुंचते हैं सीनियर डेटा एनालिस्ट का। वहां पर आपकी सैलरी जो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 9 से लेकर 14 लाख रुपए पर एनम की। अगेन 2-3 साल और आप कंपनी में देते हैं और नई नई चीजें लर्न करते हैं ऑन द जॉब, बिजनेस समझते हैं, तो आप पहुंचते हैं डेटा एनालिस्ट लेवल 3 पे। वहां पर आपकी सैलरी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो है 14-22 लाख पर एनम। अगेन यू वांट टू स्पेंड 2-3 इयर्स इनटू द कंपनी, और अगेन कुछ और चीजें आप समझते हैं, टीम मैनेजमेंट कैसे होती है वो समझते हैं, फिर आप बनते हैं प्रिंसिपल डेटा एनालिस्ट, जहां पर आपकी सैलरी हो जाती है 22 से लेकर 37 लाख पर एनम की। क्लियर, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट लेवल इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, वो होता है डायरेक्टर ऑफ डेटा। वहां पर आपकी सैलरी होती है 37-50 लाख पर एनम। तो ये स्कोप आपको इस फील्ड के अंदर मिलता है, जो कि शायद एक नॉन आईटी फील्ड में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर, अभी तक इंफॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर चैनल एंड माई सेल्फ। नीचे आप देख रहे हैं एक बटन है रेड कलर का, जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, प्लीज क्लिक कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच। चलिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया, 4 पॉइंट प्रोसेस में से मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए हैं। पहला है चेंज योर माइंडसेट, और दूसरा पॉइंट है कि आप आईटी में कैसे आते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आता है डू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये सारा जो काम है प्रैक्टिकल है। क्लियर, तो जो भी आपका स्किल डेवलप आपने पावर बीआई के ऊपर किया है, उसके थ्रू आप डैशबोर्ड्स क्रिएट करिए सैंपल डेटा से। विशाल राज ने भी यही किया था, जब वो इंटरव्यू के लिए गए थे तो जो डैशबोर्ड उन्होंने सैंपल डेटा से बनाए थे वो उन्होंने उनको शो किए, जिसके थ्रू वो हाफ वे ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गए थे, क्योंकि उससे रिक्रूटर को एक क्लियर हो गया कि इनके पास वो नॉलेज है जो हमें हमें कंपनी में चाहिए।
क्लियर हो गया। तो थर्ड स्टेप डू प्रोजेक्ट्स। फोर्थ और लास्ट स्टेप आता है कि ये आपको पता है कि आपके अंदर ये स्किल है बट अभी तक दुनिया को नहीं पता या जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं उनको नहीं पता कि आपके अंदर ये स्किल है। तो आपको बताना पड़ेगा टू द आउटसाइड वर्ल्ड कि आपके अंदर ये स्किल है, दैट इज पावर बीआई, जिससे आप एक डेटा एनालिस्ट रोल के लिए एक अच्छा फिट है। कैसे बताएंगे? एक प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड का नंबर वन प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स के लिए और वो है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। यहां पर आप जो भी सीखते हो पावर बीआई के अंदर या डेटा एनालिस्ट के बारे में आप पोस्ट करना स्टार्ट करिए। जो डैशबोर्ड आप क्रिएट करोगे यहां पे पोस्ट करना स्टार्ट करिए और टैग करिए उन कंपनीज के लोगों को जहां पर आप जाना चाहते हैं। सपोज आपकी ड्रीम कंपनी है गूगल या आपकी ड्रीम कंपनी है अमेजॉन, ऑलराइट, तो उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम है उनको आप टैग करिए। जो कंसर्न टीम है जैसे डेटा एनालिस्ट की टीम है आप उनको टैग करिए ताकि जब भी आप एक डैशबोर्ड पोस्ट करें तो वहां तक बात पहुंचे कि आप एक ऐसे इंसान है जिसकी उनको जरूरत है। इज दैट क्लियर टू यू? तो चार स्टेप प्रोसेस मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूं। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, बिलीव करना है अपने आप में कि आप कर सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल, आपको नॉन आईटी में आने के लिए जो तरीका है वो डेटा एनालिस्ट का रूल है, जिस रूट है जिसके थ्रू आप पावर बीआई लर्न करके इसमें एंटर हो सकते हैं। थर्ड, आपको करने हैं प्रोजेक्ट्स ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें गेन हो। और फोर्थ, टेल द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू लिंक्डइन कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो स्किल है, वो कैपेबिलिटी है जिसकी उस कंपनी को डिमांड है। ऑलराइट, चार स्टेप प्रोसेस। अगर आप अभी भी डिटेल में समझना चाहते हैं प्रैक्टिकली कि एग्जैक्टली डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, डेटा एनालिस्ट जो होता है वो दिन में क्या क्या काम करता है, कैसे वो डैशबोर्ड क्रिएट करता है, पावर बीआई क्या होता है, कैसे समझा जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाता है, क्या क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे जाते हैं, कैसे कंपनीज के लिए अप्लाई किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन के अगर आंसर आपको चाहिए तो उसके लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। ये बिल्कुल फ्री ऑनलाइन मास्टर क्लास है जिसको ज्वाइन करके आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जान पाएंगे और आपके अपने कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ पाएंगे। या और इसको ज्वाइन करने पे मैं आपको दूंगा बोनस वर्थ रुपीज 1500 जो कि मेरी एक बेस्ट सेलिंग ईबुक है ऑन पावर बीआई, आपको मिलती है अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री मास्टर क्लास बिल्कुल फ्री। सो डोंट वेट, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, ज्वाइन दिस फ्री मास्टर क्लास। मैं वहां पे आपसे मिलूंगा और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा, एक रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप एक नॉन आईटी से आईटी फील्ड में स्विच कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग प्रोग्रामिंग और एक्सपीरियंस के और सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 लाख पर एनम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द फ्री मास्टर क्लास।